ट्वेंटी फीट इंटू 25 फीट का मतलब 500 स्क्वायर फीट, 2 BHK। ईस्ट फेस का एक हाउस प्लान जो आउटर वॉल आउटर वॉल रहेगा 9 इंच का और इनर वॉल रहेगा 6 इंच का। ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ कलम लगेगा पहले वो देख लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। हमको 12 कलम लगेगा, 12 कलम लगेगा इधर। अभी देखेंगे डायमेंशंस, ये है एंट्रेंस, एंट्रेंस इसका जो डायमेंशन रहेगा 6 फीट 6 इंच का रहेगा और लेंथ में 12 फीट का रहेगा। ठीक है, किचन जो है किचन किचन का जो डायमेंशन है ये 6 फीट का है। ठीक है, ये ओपन रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ में आपको मिलेगा वो लेंथ में आपको मिलेगा 9 फीट। ठीक है, ये बेडरूम, बेडरूम वन इसका जो डायमेंशन है यहाँ है 10 फीट, लेंथ में 9 फीट का। ठीक है, बेडरूम टू, इसका भी वही सेम है 10 फीट का और इधर आपको जो मिलेगा वो 9 फीट का बेडरूम टू है। ये है डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया यहाँ आपको आपको 6 फीट मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 6 फीट का एरिया, 6 फीट 6x6 का डाइनिंग मिलेगा। वो जी लिविंग है वो लिविंग रूम जो है लिविंग में ओपन रहेगा, डोर नहीं रहेगा। ये वाला बेडरूम का डोर है, ये वाला ये वाला बेडरूम का डोर है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, ये लिविंग रूम हो गया, उसके बाद किचन आएगा, ओपन किचन, बेडरूम वन, बेडरूम टू, इसके बाद डाइनिंग रहेगा। हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे ऊपर जाने के लिए। अब ये 3 फीट का स्टेयर रहेगा, ये जाके ये
सेवन फिट में लैंडिंग करेगा, सेवन फिट ऊंचा में हाई इसमें लैंडिंग करेगा। इसमें जिसके नीचे हम लोग के कॉमन लेट्रिन बाथरूम, जो कॉमन लेट्रिन बाथरूम टॉयलेट बाथरूम है करेंगे, उसका जो डायमेंशन है, इसका जो डायमेंशन है 3 फीट 6 इंच का है, और जो लंबाई में मिलेगा आपको यहाँ से यहाँ तक, ये है यहाँ से यहाँ तक लंबाई में मिलेगा 6 फीट का है। तो इसका डोर इसके नीचे ईंट लगाएंगे, ठीक है। हमारा जो डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ में 25 फीट है, और विड्थ में यह है 20 फीट की। ये हो गया हमारा एक 500 स्क्वायर फीट का 2 BHK ईस्ट फेस का प्लान। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ये मेरा आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू।